छिंदवाड़ा को जीतने के लिए बीजेपी भरसक कोशिश में लगी है, जिससे कि नकुलनाथ वो चुनौती नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है कि चाहे पूरी बीजेपी लग जाए फिर भी छिंदवाड़ा में कमलनाथ ही जीतेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के कमलनाथ की हाई प्रोफाइल वाले मुद्दे पर भी उन्होंने बयान दिया है। पिपरिया में जनसभा को संबोधित करने के लिए आए छिंदवाड़ा सांसद से बातचीत की हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील बघेल ने। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और उनमें से मैं नकुलनाथ जी के साथ हूं और इन्होंने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से अलग रह करके अपनी एक पहचान बनाई है और ये भी प्रदेश में जगह जगह कांग्रेस का अलग जगाते घूम रहे हैं और छिंदवाड़ा सीट पर इस बार पूरी भाजपा की बड़ी सख्त निगाह है, तो हम उनसे जानेंगे इस बारे में क्या सिचुएशन है वहाँ। सिचुएशन एकदम ठीक है, जनता दोबारा से कमलनाथ जी को चुनेगी। भाजपा जितने भी अपने बड़े नेता भेजना चाहे उनका स्वागत है, क्योंकि कमलनाथ जी और छिंदवाड़ा की जनता का 42 साल पुराना पारिवारिक संबंध रहा है। नहीं, उनका जो एक हाई स्टेटस है ये कहा जा रहा है कि वो बड़े हाई प्रोफाइल स्टेटस है और उस हाई प्रोफाइल स्टेटस के कारण उन तक पहुंचना मुश्किल है, तो लोकल को चुना जाए, इस तरह की बातें भाजपा की तरफ से उठाई जा रही, क्या कहेंगे? आप छिंदवाड़ा आइए और उनका स्टेटस देखिए, वो सबसे मिलते हैं, सबसे प्यार से मिलते हैं, पूरा समय देते हैं। अभी आप जब घूम रहे हैं तो क्या संभावनाएं देख रहे हैं? कई जगहों पर विरोधी रहे हैं, जैसे माप यहाँ किया जाए तो छिंदवाड़ा में के अलावा भी पिपरिया में भी विरोधी लोग थे, कुछ और टिकट की चाह रख रहे थे, उनसे आप कैसे निपट रहे हैं या वो किस स्थिति में है? देखिए, हर सीट पर 5-6 दावेदार होते हैं, टिकट सिर्फ एक को मिलती है जी। मेरा मानना ये है जिनको टिकट नहीं मिले वो पहले भी कांग्रेस के सिपाही रहे हैं और थोड़ा गुस्सा जरूर है, लेकिन मेरा मानना ये है कि 3-4 दिन के नाराजगी के बाद वो वापस फिर से कांग्रेस पार्टी का। किस मुद्दे पे आप सबसे ज्यादा अटैक करना चाहेंगे, किस नकारात्मक मुद्दे पर? घोटाले, महिलाओं पे अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई, सारे मुद्दे पब्लिक के सामने हैं। धन्यवाद। नकुलनाथ जी स्वयं, उनका परिवार, कमलनाथ जी सब जनता के साथ में हैं और कहीं कोई उन्हें इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जनता का प्यार मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा और उनकी सरकार इस बार फिर से लौटेगी। पिपरिया से बंसल न्यूज़ के लिए कैमरामैन अश्विनी गौर के साथ सुनील सिंह बघेल।